हेलो एवरीवन, मैं हूं मिलन और SJD इंटरनेशनल के हिंदी यूनिट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम सीखेंगे एक नया कमांड। आज जो हम कमांड सीखने जाने वाले हैं वो यूनिक्स का एक बेसिक कमांड है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा नया कमांड। आज का हमारा कमांड है ls कमांड। ls कमांड यूजुअली डायरेक्टरी एंड फाइल लिस्टिंग के लिए काम आता है। यूजुअली जब हम ls लिख के टर्मिनल पे एंटर करते हैं तो वो हमें करंट डायरेक्टरी की सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज लिस्ट करके दे देता है। इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं हम देखते हैं। ls माइनस l, माइनस l ऑप्शन जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होता है। लॉन्ग लिस्टिंग में फर्स्ट ये टाइप डिफाइन करता है जो d हो सकती है या हाइफन हो सकता है। d फॉर डायरेक्टरी एंड हाइफन फॉर रेगुलर फाइल्स और भी बहुत से टाइप्स इसके यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद परमिशंस होती है, उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं यूज़र नेम है, ग्रुप है, फिर डेट एंड ऑल थिंग्स आर देयर। क्लियर कमांड हम टर्मिनल को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ls माइनस l, l हमने अभी देखा। हम एक ऑप्शन और इसके साथ यूज़ करेंगे a जो यूज़ होता है वो हिडन फाइल्स को भी डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। ls कमांड यूजुअली जो फाइल्स डिस्प्ले करता है वो नॉर्मल फाइल्स डिस्प्ले करता है, हिडन फाइल्स जो भी होती है वो डिस्प्ले नहीं करती। उसके लिए हमें a ऑप्शन का यूज़ करना ही होता है। यूनिक्स में हिडन फाइल जो होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है। डॉट इनिशियल लेटर अगर है तो हिडन फाइल है। यहाँ पे हमारी एक हिडन फाइल है डॉट vim इन्फो। ओके, हम देखते हैं ls माइनस l में ये दिखती है या नहीं। हेयर इट इज, हेयर इज नो फाइल। ओके, अब हम देखते हैं हम कैसे किसी दूसरी डायरेक्टरी के डेटा को लिस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस स्लैश एक्सटर्न, या हम किसी भी दूसरी डायरेक्टरी को, जैसे कि हमारी डायरेक्टरी है abc/abc, देर इज़ नथिंग इन द डायरेक्टरी। हम अंदर जाएंगे cd कमांड से abc के अंदर आ गए। यहाँ हम बनाएंगे एक और डायरेक्टरी mkdir xyz एंड एंटर। ये हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब हम कमांड टाइप करेंगे, हेयर इट इज xyz। तो हम कैसे ls कमांड का यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा आज। ls कमांड के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो आप यूनिक्स मैनुअल्स में से देख सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी भी ऑप्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है learnwithmilin@gmail.com। हमारा पोर्टल एड्रेस है learnwithus.sjdinternational.com। थैंक यू।